रूस क्या चाहता है। बीते 21 दिन में हमने 21,000 से ज्यादा बार बताई है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, अभी नेटो से नहीं जुड़ेगा यूक्रेन। ये ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान सामने आ चुका है, अभी नेटो से नहीं जुड़ेगा यूक्रेन। बात इतनी सी ही है, लड़ाई इसी बात की है, रूस का तेवर जो इतना तल्ख हुआ है वो सिर्फ नेटो के मसले से हुआ है। अब जब ब्रिटेन के तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन जब ये बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि अभी नेटो से नहीं जुड़ेगा यूक्रेन, तो क्या बात बन सकती है? दुनिया यही उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन इस बीच क्या ये तबाही की तस्वीरें यूक्रेन भुला सकता है? क्या रूस ने जो जख्म दिया है वो क्या इतना जल्दी भर जाएगा? ये सवाल साथ में है, लेकिन इस बीच दोनों ही देशों ने, यानी यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी, संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि युद्ध खत्म होगा, बात बनेगी, लेकिन वो वक्त को कब होगा, वो तारीख कौन सी है और कितना लंबा इंतजार होगा? 21 दिन गुजर चुका है इस युद्ध को, तबाही की हर एक तस्वीरें बता रही है कि ये सब कुछ भूलने में और सब कुछ पहले जैसा करने में वक्त लग जाएगा, लेकिन संकेत मिलने शुरू हुए हैं। 4 दफे की बातचीत हो चुकी है, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ये संकेत भी दे दिए हैं, उनका कहना है कि नाटो से नहीं जुड़ेगा। बात यही तो है, यही तो लड़ाई है, लेकिन इस बीच ये 6 तस्वीरें देखिए, क्यू में बमबारी, ड्रोन से हमला, टॉप एंगल की ये तस्वीर, ट्रक पर मिसाइल हमला हुआ है, खारकीव में गोलीबारी, रूसी फौज पर हमला किया गया है, रूस का जहाज पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं, युद्ध की ऐसी ये 6 तस्वीरें हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि 21वें दिन भी दोनों ही तरफ से कैसे माहौल बना हुआ है और कैसे दोनों लोहा ले रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पे, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, रूस की सेना ने क्यू को चारों तरफ से घेर लिया है, रूस के हमले तेज हो चुके हैं, रूस को समझ में आ चुका है सिर्फ राजधानी क्यू पे टारगेट करो, सिर्फ राजधानी क्यू की घेरेबंदी करो, क्योंकि अगर क्यू में तख्ता पलट हो गया, तमाम वो एरिया जो भी हैं, जो भी इलाके हैं, वो सब एक एक करके काबू में आ जाएंगे, क्योंकि अगर राजधानी से संपर्क इन इलाकों का कट जाएगा, टूट जाएगा, तो समझ सकते हैं आप कि तख्ता पलट होने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इस बीच जो संकेत मिलने शुरू हुए हैं, एक तरफ युद्ध के मैदान में दोनों डटे हुए हैं, लेकिन टेबल टॉक चल रहा है, 4 दफे बातचीत हो चुकी है, प्रतिनिधिमंडल को भेज के बातचीत हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है, और अब अलग अलग देशों के साथ, कल जो खबर आई इसराइल मध्यस्थता करेगा, आज खबर आती है ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कहते हैं कि नाटो से नहीं जुड़ेगा यूक्रेन, यानी दुनिया चाहती है, पश्चिमी देश भी चाहते हैं, अब सब चाहते हैं ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं खत्म होगा तो भारी तबाही इस तरीके से जैसे हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या फिर और भी जितने युद्ध हुए हैं उन तमाम युद्ध की तस्वीरें याद करके सहम जाते हैं, ऐसा ना हो, कम से कम ये मौजूदा वक्त में स्थिति ना बने, ये सब चाहते हैं। ये देखिए मानवता के ऊपर आया हुआ सबसे बड़ा खतरा है, इन लोगों की आंखों में आंख मिलाने का साहस फिलहाल किसी भी राष्ट्राध्यक्ष में नहीं है, चाहे वो दुनिया के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, क्योंकि अगर 21 दिन तक युद्ध एक देश लड़ रहा है अपने दमखम के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, उसके यहां मानवता पे खतरा है, उसके शहरों को कब्रिस्तान में तब्दील किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अपने ताकतवर होने पर गुमान नहीं कर सकता, गुरूर नहीं कर सकता। और इस बीच ये तस्वीर हम आपको फिर दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तस्वीर मैं चाहूंगी कि आप जरा इसको लगातार प्ले किया जाए, ये मानवता के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। आप देखिए ये महिला जो है उसकी आंखों में आंख डालने का साहस किसको हो सकता है, क्योंकि वो डरी सहमी से उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, और इसी तरीके की तस्वीरें हर जगह से हमें मिल रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, इमारतों को आग के हवाले कैसे किया जा रहा है, राजधानी क्यू वो जगह जहां चौतरफा हमला हो रहा है, चारों तरफ से गोले बारूद बरसाए जा रहे, कई घरों को नुकसान पहुंच चुका है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, वो नहीं चाहते अपना घर छोड़े लेकिन मजबूरी है, क्योंकि अगर चारों तरफ से हमले किए जाए, जिस इमारत में वो रह रहे हैं, जिस घर में वो रह रहे हैं, वहां टॉप एंगल से हवाई हमला हो, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास विकल्प बचता भी क्या है अपना देश छोड़ने के अलावा। हालांकि सायरन की आवाज लगातार इन इलाकों में गूंज रही है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और कहा गया है कि अब क्यू में कोई भी बाहर ना निकले, खतरे से खाली नहीं है। अभी मैं चाहूंगी कि एक बार फिर आप सायरन की आवाज सुनिए, ये सायरन की आवाज वो है जो 21 दिनों से लोगों की नींद उड़ा चुकी है।
लोगों के सर पे मौत मंडरा रहा है, खतरा हर दिन हर पल हर क्षण है इस लिहाज से, क्योंकि रूस किसी भी सूरत में किसी को भी बख्शने को तैयार नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, वो महिला हो, वो प्रेग्नेंट महिला हो, कोई भी हो। हमने ऐसी तस्वीरें दिखाई है आपको, 21 दिन में ऐसी तबाही की वो तस्वीरें दिखाई है जिसको आने वाली जब पीढ़ियां देखेगी तो उसके कल्पना से परे होगा कि ये सब कुछ 21 दिनों तक होते रहा। हम अभी तक हिटलर की तानाशाही पढ़ते थे किताबों के पन्ने पलटकर, लेकिन मौजूदा वक्त की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि क्या हो रहा है। 21 दिन में 4 दफे बातचीत हुई, एक से बढ़कर एक देशों ने, आज G7 की भी बैठक हुई, इसके पहले भी सार्क देशों ने बैठक की, सबने बैठक की, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब बोरिस जॉनसन को यह कहना पड़ता है ब्रिटेन के पीएम को कि नाटो का हिस्सा नहीं होगा। यही बातें अगर पहले कह दी जाती तो शायद इतनी तबाही नहीं झेलनी पड़ती यूक्रेन को। और अब हम आम नागरिकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन नागरिकों की तस्वीरें जो पलायन करने को मजबूर हैं, जिनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि अभी भी पुरुषों के लिए पाबंदी और सख्ती बहुत ज्यादा है, 60 साल से कम उम्र आपकी है तो देश आप नहीं छोड़ सकते। यानी जो लोग देश अपना छोड़ भी रहे हैं वो अपने परिवार से बिछड़ रहे हैं, वो अपने घर के पुरुषों से बिछड़ रहे हैं। रूस की सेना पर बड़ा हमला, यूक्रेन की सेना ने लगातार धमाके बोले हैं, धमाकों की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। क्यू का वो कोई भी इलाका हो, खारकीव का वो कोई भी इलाका हो, अब तो मौजूदा वक्त में एक बार फिर से खेरसोन इलाके में भी बमबारी होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेनी सेना चाहती थी कि जिस इलाके को रूस ने काबू कर लिया है उसको वापस हम हासिल कर लें, लेकिन वहां भी फिर से बमबारी गोलीबारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब भेद किले में सेंध लगाने के लिए रूस ने अब अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है, क्योंकि क्यू में अगर राष्ट्रपति भवन पर रूसी सेना का कब्जा हो जाता है तो जंग खत्म मानी जाएगी, और इसी स्ट्रैटेजी के तहत रूस ने अब क्यू पर ही पूरा फोकस कर लिया है। ये कैसे हम आपको बताते हैं। क्यू को तीन तरफ से घेरा गया है, रूस ने तीन दिशाओं से क्यू पर हमला बोला है, और ये तीनों दिशा से कौन कौन शहर है, चेर्नोबिल है, क्रिस्टेन है, फ्लोकी है, और इस तरफ से हमला किया जा रहा है। रूसी सेना क्यू सिटी सेंटर से सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुकी है। पुतिन का क्यू पर जल्द से जल्द कब्जा करने का आदेश है, पुतिन ने आदेश दे दिया है अपनी सेना को। क्यू पर कब्जा करने के लिए रूस को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं, पुतिन ने शायद सोचा भी नहीं था ये जंग इतनी लंबी खिंच जाने वाली है, इसीलिए अब उन्होंने क्यू का संपर्क दूसरे हिस्सों से काटने का प्लान तैयार किया है। क्योंकि दूसरे हिस्सों से संपर्क काटने की स्ट्रैटेजी कैसे आगे बढ़ रही है ये हम आपको बताते हैं। वो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, यूक्रेन को पोलैंड, रोमानिया और मोल्दोवा से मदद, पोलैंड को यूक्रेन से जोड़ने वाले जतोमर पर हमला बोला गया है, यूएस पोलैंड और ब्रिटेन से मिलने वाली मदद जतोमर से पहुंचती है, रूसी सेना यूक्रेन की सप्लाई चेन को काटना चाहती है।